एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं आपका जो आईसीआर की 40 यूनिवर्सिटी जिनका क्या रैंकिंग है और आपको जानना बहुत जरूरी है और किस बेसिस पे वो रैंकिंग आपका बताया जा रहा हो सबका मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे काउंसलिंग करना है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, सब कुछ मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता मिलूंगा। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ रैंकिंग के बारे में। देखो अब आपने बहुत बार सुना होगा एनआईआरएफ। एनआईआर इसका फुल फॉर्म क्या, पहले ये देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मतलब एक फ्रेमवर्क होता है, इसके बेसिस पे एनआईआरएफ अपना क्या एक रैंकिंग निकालता है। अब आपको पहले ये जानना जरूरी है रैंकिंग किस बेसिस पे होता है। आपने ये तो देख लिया बहुत जगह कि सर रैंकिंग बताया एनआईआरएफ। देखो अब इसमें क्या क्या, आपका केवल प्लेसमेंट ही नहीं देखा जाता, कितनी चीज़ें इसमें देखा जाती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपका रैंकिंग, क्योंकि ये जो रैंकिंग है आपकी मेडिकल वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अलग, सॉरी जो कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर के कॉलेजेस हैं, उसके बाद में इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, फार्मेसी कॉलेज, सबके लिए अलग अलग से निकलता है। अब ये निकालते इसमें क्या बेसिस देखा जाता है, देखो आपका इसमें जो देखा जाता है वो देखा जाता है पहले टीचिंग और रिसोर्सेज, आपका जो टीचिंग और फैसिलिटी कैसा है, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कैसा है, ये सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद में आपका रिसर्च, कितना आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, उसके बाद में ग्रेजुएशन का आउटकम कैसा, आपका प्लेसमेंट है क्या, मीडियम सैलरी है, पीएचडी स्टूडेंट कितना, सब कुछ इसमें देखा जाता है। ये सब देख के जब आपका ये डिटरमाइन किया जाता है एनआईआरएफ रैंकिंग। देन उसके बाद में आपका ये देखिए आउटरीच, कितना रीजनल डाइवर्सिटी, वुमन डाइवर्सिटी और क्या परसेप्शन, ये सब इसके क्या एनआईआरएफ रैंकिंग के पैरामीटर्स हैं। अब चलो हम सीधे डायरेक्ट चाहते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, उनका रैंकिंग क्या है जो आईसीआर के अंदर में आती हैं। तो चलो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें आपका जो रैंकिंग है वो मैं एक नहीं पूरी 40 यूनिवर्सिटीज बताने वाला हूँ हर एक वीडियो को। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। पहला है आपका देखो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपकी क्या न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। इसका एक ब्रांच आपकी आसाम में है, एक आपकी है झारखंड में है। देख रहे हो स्टेट और आपको मैंने आपको बता दिया। अब इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, इसका कट ऑफ आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से 500 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, और उसके बाद में आप अगर एस सी एस टी कैटेगरी से हो तो आपका न्यू दिल्ली के लिए बात करूँ तो आपका 1200 रैंक के अंदर होना चाहिए, और अदर और भी और इनके लिए आपका जैसे कि हुआ आसाम के लिए, झारखंड के लिए, इसका अगर आपको 2 या 3 हज़ार के समथिंग है फिर भी मिल जाएगा। उसके बाद में है दूसरा आपका एनडीआरआई कर्नल, जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें आपका केवल एक ही कोर्स होता है यूजी के लिए, वो है डेयरी टेक्नोलॉजी, जो कि करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। इसका सेकेंड रैंक, थर्ड नंबर पे आपकी आती है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये आपका देखो इलेग्राम ने एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये आपके 2023 का न्यू लेटेस्ट रैंकिंग है। आपका थर्ड नंबर पे बनारस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सॉरी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है। देन फोर्थ नंबर पे आपकी आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब देखो क्या होता है, जैसे कि आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका फी बहुत ज़्यादा है, तो भाई इन चीज़ों का काउंसलिंग में आपको ध्यान देना है कि किसका फी ज़्यादा है। ऐसा नहीं आप कोई भी आप टॉप देख के, भाई आप अगर अच्छी फैमिली, क्योंकि यार हर कोई इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से नहीं होता है कि वो 60,000 रुपीज हर सेमेस्टर पे कर सके, ठीक है ना। तो देखो उसके बाद में आपका जो फोर्थ रैंकिंग पे आपका है, फोर्थ रैंकिंग पे आपका जो, ये देखिए फोर्थ रैंकिंग पे आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपका है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिफ्थ नंबर पे आपका है जो आपकी तमिलनाडु में है, वो है आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन उसके बाद में आपका इंडियन वेटनरी वाला, जो आपकी देखो ये तो आपका वेटनरी के अंदर आता था, ये आपका आईसीआर के थ्रू वेटनरी में लेता है पीजी के लिए, यूजी के लिए नहीं लेता। देन उसके बाद देखिए फिशरी साइंसेस वाला, देन आपका 8th नंबर पे जीबीपीयूईटी, 9th नंबर पे आपका आता है शेर ए कश्मीर, देखो अच्छा कॉलेज है। फिर उसके बाद में हिसार, देखो आपका आता है 10th नंबर पे। देन उसके बाद में ये बेंगलोर वाला, इसका भी फी बहुत हाई है, ये 10th नंबर पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग में, आपको बहुत रोल प्ले करता है कि आप कौन से कॉलेज आप अपना फिल कर रहे हो, ठीक ना। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको, आगे देखिए ये देखिए, देन उसके बाद में हिसार वाला, उसके बाद में आपकी आती है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देन विधान चंद्र बीसीकेबी, जो आपकी किस में है, आपकी वेस्ट बंगाल में है, देन डॉक्टर वाई एस परमार। तो इन सबको आपको जब काउंसलिंग होता है तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होता है। आप बहुत मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, आप जाएगा कहाँ पे, जो आपकी नियर बाई भी जो
साइबर कैफे पे जाता है, जिसको कि आपको पता है साइबर कैफे वाले को क्या आइडिया आईसीआर काउंसलिंग के बारे में, उसने क्या वो आपका नॉर्मल कोई भी अगर एग्जाम का फॉर्म निकलता है वो फिलअप कर सकता है, बट काउंसलिंग में उसको क्या पता कॉलेजेस के बारे में, कौन सा किस रैंकिंग पे क्या नहीं है, किसको हम लोग देना चाहिए, हमारे रैंक के अकॉर्डिंग क्या है। तो आप इसको देख सकते हो आप सभी कॉलेजेस, जैसे मैं अपना यूनिवर्सिटी का बात बताऊँ, देखो 23 रैंकिंग में, बट ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है एज कम्पेयर टू इसमें रैंकिंग बताया गया है, तो ये देख सकते हो। देन उसके बाद में देखो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी इम्फाल में, वो 29 रैंकिंग पे। आप बोलो भाई सेंट्रल होने के बाद भी इतना रैंकिंग क्यों, आप इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, बट इनमें जो पढ़ाई है बहुत अच्छा है। उसके बाद देखो आसाम वाली भी आप देख सकते हो, जो भी आपकी स्टेट में है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको आइडिया नहीं होता है कि काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, और बहुत सारे स्टूडेंट जाके जब पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर हो जाता है, भैया मैंने साइबर कैफे वाले पे कराया था उसने ऐसे ही फिल कर दिया, और पूरा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग भी फिल नहीं करता है, नहीं आपको वो बताता है। तो इसी के लिए हम इस ईयर भी लेके आए हमारा जो काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, इसके अंदर आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट भी सेंड किया जाएगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, कि आपको कौन कौन सा कॉलेजेस फिल करना चाहिए जिससे आपके मैक्सिमम चांसेस हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए इसका जो फी है वो आपका ओनली 599 रुपीज़ फी है, जिसमें आपको कम्प्लीटली चॉइस फिलिंग, उसके बाद में आपके जो भी प्रोसीजर रहेंगे, आपको जब तक आपको सीट नहीं मिल जाता, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाता तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहोगे और ग्रुप में। तो इसमें आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपका फुल नेम आपको सेंड करना है, देन उसके बाद में आपको अपना 599 रुपीज़ का पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन उसके बाद में आपको जो पेमेंट करना है वो इस क्यूआर कोड पे करना है, या आपको जो नंबर दिख रहा है इस पे आप गूगल पे फोन पे पेटीएम कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको ज्वाइन करने के लिए आपको काउंसलिंग के से लेके कॉलेज तक आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करना है, सब कुछ इसके अंदर है सब कुछ, ठीक ना। तो आपको इस पे करना है, देन उसके बाद में आपको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जो आपकी है आईसीआर पेड काउंसलिंग, इसमें सभी अपडेट्स के बारे में पता चलेगा, आपको गाइड किया जाएगा, चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट दिया जाएगा, और उसके बाद में आपका जो साइबर कैफे वाला प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उतना ही रुपये उधर पे करोगे जबकि उसको कुछ आइडिया नहीं, इधर पे करके आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज पा सकते हो। चलो तो मैंने आपको ये बताया, अब उसके बाद में आप लोग भैया कट ऑफ के बारे में एक बार बता दीजिए। देखो पहला यूनिवर्सिटी जो जिसका जो कट ऑफ है, ये देखिए मैंने अभी बताया NDRI का करनाल का जो कट ऑफ है, ये क्यों PCM वाले स्टूडेंट होते हैं अच्छी खासी रैंक पे इनको मिल जाता है, अगर आपका 8 से 10 के रैंक तक भी है PCM में तो आपको इसका मिलने का चांसेस है। पंजाब इसका अच्छा कट ऑफ जाता है, इसका 1 से 2K के बीच में आपका जाता है, सेम ऐसा ही आपका 1K के अंदर जाता है बनारस, तमिलनाडु का आपका 2 से 3K के बीच में जाता है, और उसके बाद में जो सेंट्रल एग्री का जो आपके जो ये तो PG के लिए हुआ, GVPAT लास्ट ईयर नहीं था, इसका भी आपका 1K के अंदर जाता है। देन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी इसका 4 से 5K के बीच में जाता है, क्योंकि यार उधर लोग कम जाना चाहता है क्योंकि पेरेंट्स भेजता नहीं है किसी भी रीजन से। देन आपका जो हिसार वाला यूनिवर्सिटी इसका भी 1K के अंदर जाता है। तो जो ये यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया ऊपर वाला टॉप यूनिवर्सिटी 10th तक, इनका 1 से 2K के बीच में आपका रहता है एक्सेप्ट आपका शेर कश्मीर वाला, और जो बाकी का यूनिवर्सिटी है इनका जो पूरा रैंकिंग आपका 4 to 5K रैंक, अगर इसमें बढ़ जाए 5 to 6K रैंक के बीच में जाता है। अगर मैं आपको अपना यूनिवर्सिटी का बताऊं तो देखो भाई लास्ट ईयर पूरा सिनेरियो चेंज हो गया था, इसका जो कट ऑफ था 2K के अंदर ही रह गया था BSc AG के लिए, अगर आपको अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना तब आपको ज़्यादा रैंक पे मिल सकता है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे बताना था टॉप यूनिवर्सिटीज़ का, तो आप देख सकते हो इस पे किस बेसिस पे आपका क्राइटेरिया डिसाइड होता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी दी हुई हैं, ठीक ना। और ये कंपलसरी नहीं है, जिन स्टूडेंट को दिक्कत होता है काउंसलिंग में, कुछ भी आइडिया नहीं है कि भैया कुछ भी नहीं पता हमको बस सीट चाहिए, जिनका भी मार्क्स कम है वो चाहते हैं ऐसे कॉलेजेस हम प्रेफरेंस पे दें जिससे हमारे चांसेस मैक्सिमम हो, तो वो काउंसलिंग प्रोसेस ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक। कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में को बता सकते हो, और हाँ बेटर रहेगा कि आप इस नंबर पर जब कॉन्टेक्ट करें तो पहले व्हाट्सअप कर लें कॉल करने से पहले, अगर कॉल किसी कारण से मैं ना उठा पाऊँ तो आप व्हाट्सएप पे मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। सो बाय बाय।